अब देखो कितना कमाल का नाम लगने लग गया है। तो इसी तरीके से तुम अपने नाम को चेंज कर सकते हो और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स को जो है सरप्राइज दे सकते हो। हाय गाइस, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आप अपने इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पे स्टाइलिश नेम कैसे लिख सकते हैं, मतलब कि आपका जो इंस्टाग्राम का प्रोफाइल नेम है वहां पे आप स्टाइलिश नेम कैसे चेंज कर सकते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा इंस्टाग्राम पे जिसका जो है स्टाइलिश नेम प्रोफेशनल नेम होता है, जैसा कि यहां पे अभी आपको दिख रहा है। तो अगर ऐसा प्रोफेशनल नेम स्टाइलिश नेम आप अपने लिए लिखना चाहते हैं तो ये आप कैसे कर सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको करके दिखाऊंगा। बट यार, अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। तो चलो मेरे साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं और समझते हैं पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको अपना इंस्टाग्राम जो है एक बार चेक करा देता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो है मैं इंस्टाग्राम पे आ गया हूँ एंड यहाँ पे मैं देखो अपने प्रोफाइल पे आ गया हूँ। अब देखो यहाँ पे जो है मेरा बिल्कुल ही सिंपल नेम दिख रहा है, ठीक है। तो अभी मुझे यहाँ पे स्टाइलिश नेम को डालना है। कैसे डालना है, तो सिंपली से मैं अभी फिलहाल इसको इरेज कर देता हूँ, मैं इसको हटा दिया। अब यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे वो स्टाइलिश नेम जो अभी हम बनाएंगे। कैसे बनाना है, तो सिंपली से आपको जो है अपने फ़ोन में ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, क्रोम ओपन कर लो एंड वहाँ पे गूगल में सर्च करो coolsymbol.com। जैसे ये सर्च करोगे तो ये जो पहला लिंक दिख रहा है coolsymbol.com का, सिंपली से आप इसको ओपन कर दो। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा जहाँ पे बहुत सारा अलग अलग आपको जो है सिंबल्स दिखाई देगा, जो कि अलग अलग कैटेगरी में मतलब बटा है, ठीक है। चाहे वो ऑफिस का हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे कुछ भी हो, अलग अलग वैरायटी बहुत सारा यहाँ पे है। अब जितना भी नीचे जाओगे आपको उतना अलग अलग वैरायटी दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा है ना। तो देखो मैं और भी नीचे आया और भी यहाँ पे सिंबल्स दिख रहे हैं, ओके। तो अब जो है, लेकिन अगर आपको सिर्फ सिंबल नहीं चाहिए, अगर आपको अपने नाम का करेक्टर ही मतलब थोड़ा स्टाइलिश चाहिए, जैसे कि मान लो कि आपका नाम है करण, तो करण ये जो है KARN, अगर ये थोड़ा आपको स्टाइलिश चाहिए तो क्या करना होगा, तो सिंपली से ऊपर सबसे ऊपर आओ एंड यहाँ पे देखो तीन लाइन आपको दिख रहा है। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो उसके बाद इसके अंदर में आपको एक ऑप्शन मिलेगा फॉन्ट जनरेटर एंड फॉन्ट चेंजर। जैसे ही आप इसके अंदर आते हो तो यहाँ पे आपको अपना नाम सर्च करने का एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो सिंपली से आपको अपना नाम यहाँ पे लिख देना है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे करण सिंह राजपूत मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखो यहाँ पे जो है मैंने करण सिंह राजपूत जो है लिख दिया है एंड यहाँ पे मैंने सर्च कर दिया है। अब आपके नाम से जब सर्च करोगे तो यहाँ पे नीचे जितना भी अलग अलग वैरायटी होगा, डिज़ाइंस होगा, वो आ जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारा डिज़ाइन आ गया है। तो फिलहाल मुझे यहाँ पे कोई भी एक डिज़ाइन को सेलेक्ट करना है, तो जैसे कि मान लो एक डिज़ाइन मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखो काफ़ी अच्छा और काफ़ी कूल लग रहा है ना। तो अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है कॉपी करने का, तो अगर सिंपली से यही नाम अगर आपको अपने प्रोफाइल पे लगाना है तो सिंपली से कॉपी कर लो और जाके वहाँ पे पेस्ट कर दो। लेकिन अगर इस नाम में भी कुछ चेंजेस करना है, यहाँ पे भी कोई सिंबल वगैरह लगाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, देखो यहाँ पे डेकोरेट का एक ऑप्शन है। जैसे ही इसके अंदर आओगे तो देखो यहाँ पे ऊपर में सिंपल नाम दिख रहा है, जस्ट इसके नीचे में बहुत सारा अलग अलग वैरायटी का जो है सिंबल दिख रहा है। तो अब क्या करना है कि इसमें से कोई भी सिंबल अगर आपको लगाना है तो उस सिंबल पर क्लिक करो। तो मान लो कि मैं एक सिंबल पे क्लिक करता हूं और देखो यहां पे नाम के आगे और पीछे दोनों जो है वो सिंबल लग गया है। अगर आप मतलब गर्ल्स के लिए जैसे हर्ट ज़्यादा पसंद है तो यहाँ पे हर्ट का भी ऑप्शन है, हर्ट पे दबाओगे तो नाम के देखो आगे और पीछे जो है हर्ट आ गया। एंड बहुत सारा अलग अलग वैरायटी है, जो भी लगाना चाहते हो उस पर दबाओ, प्रेस करो एंड वो आपके नाम के आगे पीछे लग जाएगा, और सिंपली से इसको कॉपी कर सकते हो, यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है। लेकिन फिलहाल मैं कोई भी नाम के आगे कोई भी मतलब सिंपल नहीं लगाना चाहता, मैं सिंपल नाम रखना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, बैक करता हूँ एंड यहाँ पे जो सिंपल कॉपी का ऑप्शन था मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया। अब वापस से मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम पे आ गया, तो यहाँ पे नाम तो मैंने पहले ही रिमूव कर दिया था। अब यहाँ पे इसको पेस्ट करना है, तो पेस्ट कैसे करना है, तो सिंपली से यहाँ पे दबा के रखो एंड पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही पेस्ट करोगे तो जो भी नाम वहाँ से कॉपी किया था वो यहाँ पे आ गया है।
तो देख सकते हो कि जो भी 40 नाम वहाँ से मैंने कॉपी किया था करण सिंह राजपूत, वो यहाँ पे दिखने लग गया है। तो सिंपली से अब मैं क्या करता हूँ, डन करता हूँ और देख सकते हो गाइस कि सक्सेसफुली जो है मेरा नाम चेंज हो गया है, वो भी स्टाइलिश। क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में जब मैं यहाँ आया था तो कितना सिंपल सा नाम था और अब देखो कितना कमाल का नाम लगने लग गया है। तो इसी तरीके से तुम अपने नाम को चेंज कर सकते हो और अपने दोस्तों एंड फ्रेंड्स को जो है सरप्राइज दे सकते हो। तो कैसा लगा तुम्हें ये वीडियो बताना जरूर नीचे कमेंट करके। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट सजेशन या कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर देना, 100% ट्राई करूंगा तुम्हारे कमेंट का रिप्लाई करने का। और अगर तुम्हारा कोई जेन्युइन सवाल हुआ तो आपके ऊपर जो है एक डेडिकेटेड वीडियो भी लेकर आ जाऊंगा। और गाइस अगर तुमको अपने इंस्टाग्राम ऐप को लॉक करना है और तुमको नहीं पता तो ऊपर वाले वीडियो पर क्लिक करके देख लो। और अगर तुम्हें इंस्टाग्राम पर किसी भी दूसरे का जो है स्टोरी को डाउनलोड करना है म्यूजिक के साथ में तो नीचे वाले वीडियो पर क्लिक करके देख लो।